वीवो जेस्टर सेटिंग। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टेकराज यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा कि वीवो के जो फ़ोन है उसमें आप जेस्टर सेटिंग कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो जेस्टर सेटिंग दोस्तों यदि आपको पता नहीं है तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये भी पता चल जाएगा। मैं आपको दोस्तों बाद में बताऊँगा कि जेस्टर सेटिंग होता क्या है, ठीक है, उसको कैसे आपको यूज़ करना है और सेटिंग आपको कहाँ पर मिलेगा, तो वो सब दोस्तों आज के इस वीडियो पर हम देखने वाले हैं। तो यदि दोस्तों आपको भी जानना है, वीडियो को अंत तक देख लीजिए और सारे साथ दोस्तों यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो जाके चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलते रहे। यदि आप ऑनलाइन से पैसा कमाना चाहते हैं उसके लिए दोस्तों हमने वीडियो डिस्क्रिप्शन पर लिंक दे रखा है, जाके चेकआउट कर सकते हैं। और किसी भी प्रॉब्लम के रिगार्डिंग पर आप हमें ट्विटर पर फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो यहाँ पर शुरू करते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों हमें यहाँ पर क्या करना होगा, उसके लिए दोस्तों हमें जाना है सेटिंग के अंदर पे। ठीक है, तो बैक कर ले, सेटिंग पर जाइए। सेटिंग पर जाने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको स्क्रॉल डाउन करना है। ठीक है, स्क्रॉल डाउन करके नीचे आपको सिस्टम नेविगेशन पर आ जाना है। तो जैसे आप सिस्टम नेविगेशन पर जाओगे तो आपको मिलेगा नेविगेशन जेस्टर, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों जब आप नेविगेशन जेस्टर को ऑन कर लेते हैं तो आपका पूरा बैक बटन, होम बटन और रिसेंट बटन वो जो है यहाँ से हाइड हो जाएगा। ठीक है, तो हाइड हो जाएगा यहाँ से आपका पूरा बटन्स, और उसके बाद दोस्तों आपका जो फ़ोन है वो फुल स्क्रीन बन जाएगा। अभी दोस्तों बैक करने के लिए आपको स्क्रीन पर ही स्लाइड करना होगा कुछ इस प्रकार से। आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर बैक जाने के लिए दोस्तों आपको स्क्रीन पे स्लाइड करना है, बैक चला जाएगा। होम जाने के लिए आपको नीचे से ऊपर तक स्लाइड करना है, होम पे चला जाएगा। रिसेंट बटन ऑन करने के लिए आपको नीचे से जो है बीच में जाके पॉज करना होगा, रिसेंट बटन आपका ऑन हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही आसान सा जो प्रोसेस है यहाँ पर है। तो आपको दोस्तों यदि यूज़ करना है जेस्टर सेटिंग तो इस प्रकार से यूज़ कर सकते हैं। तो जेस्टर सेटिंग पे होता क्या है, आपका बटन्स जो है उसको आप हाइड कर सकते हैं। ठीक है, बटन्स को आप यूज़ नहीं करना चाहते तो आप उनको जो है हाइड करके आप डायरेक्टली फ़ोन स्क्रीन को भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये है दोस्तों जेस्टर सेटिंग। वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और आज के इस वीडियो पर बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।